यस हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? चेक करो जरा। एक्चुअली मैं यहाँ पर पढ़ा ही रहा था, है ना। यहाँ पर देखो, मैंने इतना सारा पढ़ा भी दिया था और अब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली क्लास जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो अब चेक करो, अब प्रॉपरली ऑडिबल है क्या? इसलिए आप लोग का क्लास जो है वो लेट हो गई है। मैं तो आप लोग को 5:30 बजे से ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब 10 मिनट की जो क्लास है वो इसलिए वेस्ट हो गई क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पाया था शायद से प्रॉपरली। वही मैं सोच रहा था कि आप लोग का रिप्लाई क्यों नहीं है। अब देखो, अब प्रॉपरली चल रही है क्या? तो फिर मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊँ। क्लियर है सबको ऑडियो वीडियो? तो मैं फिर से पढ़ाता हूँ इसको, मतलब आप लोग के लिए तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो हमने क्या देखा था, मेमोरी से रिलेटेड हम चीजें देखने वाले थे, ठीक है। चलिए, तो अब मेमोरी से रिलेटेड हम चीजें देख लेते हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैश मैपिंग है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कहानी स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि मैंने आप लोग को कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ लेना। वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि वहीं से ही चीजें कनेक्ट आप कर पाओगे। ऑलरेडी काफी सारी चीजें मैंने आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा के रखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग याद करो कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें क्या कहानी थी। आपकी कहानी ये थी कि आपकी ये सेकेंडरी स्टोरेज है, जैसे कि मान लो कि आपका हार्ड डिस्क है, ये आपकी मेन मेमोरी है जिसको कि हम बोलेंगे रैम, ये आपका कैश मेमोरी है, ठीक है। ये आपका कैश है, ये आपका कैश हो गया। कुछ सेट ऑफ रजिस्टर्स आपके हो सकते हैं और ये आपका हो गया सीपीयू, ठीक है। इतने सारे मेमोरीज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इतने सारे मेमोरी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हार्ड डिस्क है वो बहुत स्लो होता है और जो हमारी रैम है वो एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क फास्ट होती है। रैम से फास्ट होता है हमारा कैश और कैश से फास्ट होता है हमारा रजिस्टर, ठीक है। तो हम सारा डेटा हम हार्ड डिस्क से नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि हमारा जो सीपीयू है बहुत फास्ट होता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो सीपीयू पर टाइम वेस्ट हो, क्योंकि हार्ड डिस्क तो बहुत ही स्लो है, उसको डेटा ही नहीं मिल पाएगा और वो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम पहले क्या करेंगे कि हार्ड डिस्क में से कुछ डेटा को हम मेन मेमोरी में लेकर आएंगे ताकि हमारा जो काम है वो फास्ट हो सके, ठीक है। तो जब भी सीपीयू को कुछ चीज़ चाहिए होगी वो रैम में सर्च कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली रैम भी स्लो है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम मैप हो पाए, कॉपअप हो पाए, तो थोड़ा सा टाइम कॉपअप हो पाए इसलिए हम कैश मेमोरी को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें से मेन मेमोरी से जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो होता है उसको हम कैश में रख लेते हैं। और कैश में से भी कुछ फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कुछ हमारे पास डेटा हो सकता है जिसकी कि हमें बार बार ज़रूरत पड़े, जैसे कि एड्रेसेस वगैरह हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, उसको हम रजिस्टर में रख लेंगे। तो जब भी सीपीयू को कुछ चाहिएगा तो सबसे पहले वो रजिस्टर में सर्च कर लेगा। मान लो उसको रजिस्टर में नहीं मिला तो वो सीपीयू में जाके सर्च कर लेगा, सीपीयू में नहीं मिला तो रैम में सर्च कर लेगा, और अगर रैम में भी नहीं मिला तो फिर वो हार्ड डिस्क से बोलेगा कि उसको रैम में भेजो और फिर वहां से वो अपना डेटा को लेकर, इंस्ट्रक्शन को लेकर एग्जीक्यूशन अपना कर पाएगा। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, यहां तक पे तो किसी को डाउट नहीं है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि किस तरीके से हमारा जो सीपीयू है वो जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू हमें क्या देता है? सीपीयू हमें देता है लॉजिकल एड्रेस, और फिर हम इस लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं किसमें? फिजिकल एड्रेस में। और उस फिजिकल एड्रेस से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है या जो हम पेज सर्च कर रहे हैं वो मेन मेमोरी में किस लोकेशन पर आता है। और इसके कई सारी टेक्निक्स हमने देखी थी कि किस तरीके से लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके थे, लेकिन वहां पर हमने कहीं पर भी कैश मेमोरी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा था। हमने वहां पर टीएलबी के बारे में पढ़ा था लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था। अब हम यहां पर ये पढ़ने वाले हैं कि ऑब्वियसली हम फिजिकल मेमोरी, फिजिकल एड्रेस जनरेट जो करेंगे उससे हम रैम का एड्रेस हमें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली रैम पर जाएंगे। हम पहले कैश मेमोरी में जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि वो हमें जो डेटा चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए है, क्या वो कैश में है। अगर वो कैश में होगी तो हम वहीं से फैच कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो हम या तो रैम में जाकर लेकर आएंगे या फिर रैम से कैश में लोड करेंगे। तो किस तरीके से रैम और कैश के बीच का कनेक्शन कैसे होगा, रैम और कैश के बीच में मैपिंग किस तरह से होगी,
वो हम यहाँ पर इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो अभी तक हमने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमने पढ़ा था लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, वो हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा और हम उससे रैम के अंदर का एड्रेस फेच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि कैश और रैम के बीच में किस तरह की मैपिंग होगी, किस तरीके से कोई भी एड्रेस जो हमारा जनरेट होगा वो किस तरीके से कैश में सर्च करेगा और उसको रैम में सर्च करेगा। मतलब कि कैश में भी हमें ऑलरेडी हमारे पास कई सारी टेक्निक हो सकती है, तो किस तरह से वो सर्चिंग होगी, और उसके लिए हम यहाँ पर तीन तरीके की मैपिंग पढ़ने वाले हैं कैश और उसके बीच में रैम के बीच में। पहली हम मैपिंग पढ़ेंगे डायरेक्ट मैपिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, और फिर हम पढ़ेंगे के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ये तीनों टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ पर आप समझ लो कि हर साल चांसेस है कि एक ना एक क्वेश्चन इन तीन में से किसी एक टेक्निक पर आएगा ही आएगा। नो डाउट, बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बात क्लियर है अभी तक जो मैंने बात कही, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है, आ गया सबको समझ में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब कुछ पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें मैं क्या ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट रैम से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट रैम से नॉर्मली एक्सेस होता नहीं है। सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली कहाँ पे सर्च करेंगे, सबसे पहले हम इसको सर्च करेंगे कैश में, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और कहानी हम वहीं से ही शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही, ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमने क्या पढ़ा था याद करो। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आप लोग को ये बोला था कि हमारी कोई भी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। मान लो कि ये हमारी कोई एक प्रोसेस है और ये हमारी रैम है, तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि प्रोसेस को हम पेजेस में ब्रेक करते हैं, कि पेज जीरो, पेज वन, पेज टू, ऐसे कई सारे पेजेस में हम ब्रेक करते हैं, और रैम को हम ब्रेक करते हैं फ्रेम्स में, और फ्रेम का साइज और पेज का साइज जो होता है वो इक्वल होता है। ये मैंने आप लोग को बताया था, ये बात बिल्कुल आप लोग को याद होगी कि अगर आपकी कोई प्रोसेस है तो आप उसको पेजेस में ब्रेक कर दोगे, पेज जीरो, पेज वन, पेज टू, तो आप पेजेस में ब्रेक कर दोगे, और आपका जो रैम है उसको आप फ्रेम्स में ब्रेक कर दोगे। मतलब लॉजिकल डिवीजन होता है, ये फिजिकल डिवीजन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में हम रैम को काट रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लॉजिकली हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये एक फ्रेम जीरो है, ये फ्रेम वन है, ये फ्रेम टू है, ऐसी कई सारी फ्रेम है, और पेज का साइज और फ्रेम का साइज सेम होता है। तो हम यहाँ पे से कुछ जो हमें पेज प्रोसेस का जो भी हमें पेज को एग्जीक्यूट करना होगा उसको हम फ्रेम में लेकर आएंगे, और फिर वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब हम फर्दर क्या देखने वाले हैं, अब हम यहाँ पर कैश को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम कुछ इसमें से रैम में से कुछ डेटा जो है उसको हम कहाँ लेकर आएंगे, कैश में लेकर आएंगे। लेकिन कैसे, पूरा का पूरा फ्रेम उठा के ले आएंगे क्या, मतलब कि पूरा का पूरा पेज उठा के ले आएंगे क्या? तो यहाँ पर आप पूरा पेज भी ला सकते हो, और हो सकता है उस पेज का कुछ पार्ट भी ला सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप उसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से आप डिजाइन कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो, या अब हम जो रैम है, अब इसको फ्रेम में ना बोल के अब मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। हम प्रोसेस से रैम में बात कर रहे हैं या रैम से कैश में बात कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा नाम अलग अलग देंगे, क्योंकि साइज का भी अंतर हो सकता है। तो अब जो है हमारी जो रैम है उसको मैं ब्लॉक्स में डिवाइड करूंगा, तो ब्लॉक जीरो, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू। तो हम जो हमारी रैम है उसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, और जो हमारा कैश है उसको हम लाइन में डिवाइड करेंगे, लाइन जीरो, लाइन वन, लाइन टू, इस तरह से हम इसको लाइन्स में डिवाइड करेंगे, लाइन फोर, लाइन थ्री, इस तरह से हम इसको लाइन्स में डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे और इसका क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि पहले जब हमारी प्रोसेस थी उस प्रोसेस को हमने पेजेस में ब्रेक किया था, और उस पेज को हम लेकर आए थे रैम में, जिसमें कि हम फ्रेम्स में ब्रेक कर रहे थे रैम को। अब हम रैम को बोल रहे हैं कि अब हमने उसको ब्लॉक्स में ब्रेक कर दिया है, और हम एक ब्लॉक को उठाकर कैश में लेकर आएंगे, मतलब कि उसको एक लाइन में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर ब्लॉक का साइज और लाइन का साइज सेम होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक पेज का साइज जो है वो फ्रेम के साइज के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एक पेज जो है वो एक फ्रेम में लोड होगा। बिल्कुल उसी तरीके से ही रैम को अब हम ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, और एक ब्लॉक को हम लेकर आएंगे कैश पे, और जहां पर हम लेकर आएंगे उसको हम बोलेंगे लाइन। तो अगर मैं लाइन बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं कैश की बात कर रहा हूँ,
और अगर मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं रैम की बात कर रहा हूँ, क्या फ्रेम का साइज और ब्लॉक का साइज सेम होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपके 10 वर्ड, आपके एक फ्रेम के अंदर 10 वर्ड्स हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपका जो एक ब्लॉक है उसके अंदर हो सकता है कि आपके 4 ही वर्ड हों, या फिर हो सकता है 8 वर्ड हों। तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक का जो डिवीजन है वो अलग है और जो फ्रेम का डिवीजन है वो अलग है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मान लो कि ये आपका घर है, अब आपके घर में ये एक कमरा, आपने बोल दिया कि ये मेरा घर कमरा है, ये मम्मी पापा का कमरा हो गया, ये कॉमन रूम हो गया। तो एक्चुअल में बाहर से देखने वालों के लिए तो ये पूरा एक ही घर है, लेकिन आपने अंदर ये जो डिवीजन किया ये लॉजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन नहीं है, लॉजिकल डिवीजन है। लॉजिकली आप ये बोल रहे हो कि इतनी जगह जो है वो मेरी है, इतनी जगह दूसरे की है, या फिर कॉमन रूम है, ये सब। तो फिजिकली देखा जाएगा तो बाहर से तो एक ही घर है, अंदर लॉजिकली अलग अलग घर है, अलग अलग कमरे आपने बना दिए, अलग अलग पार्टीशन कर दिया। तो बिल्कुल उसी तरीके से बाहर से देखने वाले के लिए ये एक ही रैम है। अब आप प्रोसेस के रिगार्डिंग देखोगे तो वो फ्रेम्स में देखेगा, और अगर आप कैश के रिगार्डिंग देखोगे तो वो ब्लॉक्स में देखेगा। और क्योंकि एक ब्लॉक उठ के एक लाइन में आने वाला है, तो इसलिए ब्लॉक का साइज और लाइन का साइज सेम होगा। नाम अलग अलग इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आ सके कि किसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं ब्लॉक बोलता हूँ मतलब मैं रैम की बात कर रहा हूँ, और लाइन बोलता हूँ मतलब मैं कैश की बात कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई सबको? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि रैम का साइज, जैसे कि प्रोसेस का साइज बड़ा हो सकता था, छोटा हो सकता था, डिपेंड ऑन रैम, रैम पे डिपेंडेंसी नहीं थी, और इसीलिए हमें कई तरह की वहां पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम वगैरह पढ़नी पड़ रही थी। क्योंकि हमें पता है कि एक प्रोसेस के जितने पेज हैं वो सारे पेज को हम रैम के अंदर ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक प्रोसेस के जितने भी पेजेस हैं उनको एक साथ हम रैम में लेकर आएं, क्योंकि रैम का साइज वेरी कर सकता है और प्रोसेस का साइज भी वेरी कर सकता है। और इसीलिए हमने वहां पर कई सारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पढ़ी थी कि कौन सा पेज हम रैम में लेकर आए और कौन से पेज को हम बाहर भेजें, ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैनेज हमें करना है इतने ही साइज में, इतने ही रैम में हमें सब कुछ मैनेज करना है। ये बिल्कुल आप वैसा समझो कि आपका एक यहाँ पर एक हॉल है जहाँ पर शादी होने वाली है और यहाँ पर लोग खाने के लिए आने वाले हैं, है ना? तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग खाने के लिए आने वाले हैं। अब आपने शादी के लिए 1000 लोगों को इनवाइट किया है और आपके यहाँ पर हॉल में सिर्फ 100 ही लोग एक बार में खाना खा सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करोगे कि आप बोलोगे कि पहले 100 लोग आके खाना खा लो, और जिन जिन का खाना होता जाए वो बाहर निकलते जाना, जितने लोग खाना खा के बाहर निकलेंगे फिर उतने ही लोग अंदर आते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके पूरे 1000 लोग खाना खा लेंगे, लेकिन एक बार में सारा खाना नहीं खाएंगे। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेज का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि हम पंगत में बिठा लेंगे, है ना, पहले मैं 100 लोगों की पंगत बिठा लूंगा, उन सबको खिला लूंगा, फिर वो 100 लोग बाहर चले जाएंगे, फिर अगले 100 की पंगत बिठाएंगे और उनको खाना खिला देंगे। तो आप ऐसा भी एल्गोरिदम लगा सकते हो। तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सी एल्गोरिदम अप्लाई करते हो। आप 100-100 की पंगत में बिठा के खाना खिलाते हो, या एक एक जाता जाता है और उसको रिप्लेस करते जाओगे दूसरे से, किसी भी तरीके से आप करवा सकते हो। आपको तो ये 100 लोगों की जगह पर 1000 लोगों को खाना खिलाना है। अब आप अपनी एल्गोरिदम लगा सकते हो कि आपको किस तरीके से खाना खिलाना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो रैम है वो लिमिटेड है, हमारी रैम लिमिटेड है और प्रोसेस का साइज बहुत बड़ा है। तो कितने पेजेस को आप फ्रेम्स में लेकर आओगे, किस तरीके से रिप्लेसमेंट करोगे, वो आपकी एल्गोरिदम पर डिपेंड करता है। सेम वही कहानी अब रिपीट हो रही है, अब हम इसको लेकर आ रहे हैं कैश में, और कैश का साइज रैम से भी कम होता है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके ब्लॉक को अगर मैं लाइन में लेकर आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अब कैश के अंदर भी सारे के सारे रैम का कंटेंट तो नहीं आ पाएगा, उसमें से कुछ ही कंटेंट आ पाएगा, और यहाँ पर भी हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर भी हमें मैपिंग करनी पड़ेगी रैम में और कैश के बीच में, मैपिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा ब्लॉक जो है वो कौन सी लाइन पे रखा हुआ है, या फिर अगर मैं रिप्लेस करूंगा कोई से ब्लॉक को तो किस लाइन के साथ रिप्लेस करूंगा, या फिर सर्चिंग करूंगा कोई भी एक वर्ड को या कोई भी पेज को अगर मुझे सर्च करना है तो वो कैसे सर्च करूंगा। तो मुझे अब रैम और कैश के बीच में मैपिंग करनी है, और इस मैपिंग के लिए मुझे अलग अलग टेक्निक्स की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें से हम 3 तरह की टेक्निक पढ़ेंगे, डायरेक्ट मैपिंग, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग एंड के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मैपिंग। तो अब आपको समझ में आया कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मैपिंग पढ़ने वाले हैं कि रैम से
कैश में मैपिंग किस तरीके से होगी। आई बात समझ में? यहां तक पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब आप क्या करने वाले हो, अब आप ये करने वाले हो कि आपकी जो रैम है, आपकी जो रैम है आप उसको डिवाइड कर दोगे किस में, ब्लॉक्स में, कई सारे ब्लॉक्स में आप अपनी रैम को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और आपका जो कैश है, आपका जो कैश है आप उसको डिवाइड कर दोगे और आप बोलोगे कि हमने कैश को डिवाइड कर दिया है लाइन में, ठीक है। तो आप अपने रैम को डिवाइड कर दोगे ब्लॉक्स में और कैश को डिवाइड कर दोगे लाइन में। तो ये मेरी रैम है, क्योंकि हम मेन मेमोरी बोलते हैं, और ये आपकी कैश है। आप लोग मैसेज करते जाना, क्लियर हो तो ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो तो बता देना। यहाँ तक पे तो सब क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये मान लो कि ये मेरा ब्लॉक नंबर 0 है, मैं ब्लॉक बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये मान लो कि ये आपका ब्लॉक नंबर हो सकता है 0 होगा, ये मान लो ब्लॉक नंबर 1 होगा, ऐसे करते करते मान लो कि ये ब्लॉक नंबर 15 है, मतलब टोटल 0 से लेकर 15, मतलब टोटल 16 ब्लॉक्स हैं। ये आपका हो गया लाइन नंबर 0, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, मतलब टोटल 4 लाइनें हैं, ठीक है। अब हमारी जो मेमोरी होती है वो वर्ड ऑर्गेनाइज्ड होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वर्ड एड्रेसेबल होती है। मतलब कि अगर मैं एक बार में अगर कोई एक्सेस करना चाहूंगा तो एक बार में मैं एक वर्ड को एक्सेस करूंगा, ठीक है ना। एक बार में हम क्या करेंगे, एक बार में हम पूरे एक वर्ड को एक्सेस करेंगे। और मैंने आपको ये कई बार बताया हुआ है कि जो एक वर्ड होता है वो एक बाइट का भी हो सकता है, वो 2 बाइट का भी हो सकता है, वो 4 बाइट का भी हो सकता है, डिपेंड कि आप अपने आर्किटेक्चर में कौन से वाला यूज कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि एक टाइम पर पूरा एक वर्ड एक्सेस होगा और एक वर्ड को एक एड्रेस एलोकेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो रैम है उसमें 4 वर्ड का एक ब्लॉक है, तो 4 वर्ड का एक ब्लॉक है, मतलब कि यहाँ पर वर्ड नंबर 0, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, 4 वर्ड जो है वो एक ब्लॉक में आ सकते हैं। और टोटल कितने वर्ड्स हैं, टोटल 16 वर्ड्स हैं, सॉरी टोटल 16 ब्लॉक्स हैं। तो अगर आपके पास टोटल 16 ब्लॉक्स हैं और एक ब्लॉक में अगर 4 वर्ड्स आ सकते हैं, इसका मतलब आपके पूरी रैम में कितने वर्ड्स हैं, टोटल 64 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हो गए, 64 वर्ड्स हो गए। और फिर मैंने आपको ये कहा कि ब्लॉक का साइज और लाइन का साइज इक्वल होता है, जितने ब्लॉक का साइज होता है उतना ही लाइन का साइज होगा। इसका मतलब कि अगर आपके एक ब्लॉक में, अगर आपके एक ब्लॉक में अगर 4 वर्ड्स हैं तो एक लाइन में भी 4 वर्ड्स होंगे, वर्ड नंबर 0, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2 एंड वर्ड नंबर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके एक ब्लॉक में अगर 4 वर्ड हैं तो एक लाइन में भी 4 वर्ड आएंगे। लेकिन यहाँ पर कितनी लाइन है, यहाँ पर तो 4 ही लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन है और एक लाइन में आपके 4 वर्ड आ सकते हैं, मतलब टोटल 16 वर्ड्स ही यहाँ पर आ सकते हैं। ये बात आगे की नहीं आ गई समझ में, पहले मुझे ये बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। खंडवा से तो नहीं हूँ लेकिन एमपी से हूँ, ठीक है ना, एमपी में ही आता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एक एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना, कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बता देना, आप लोगों को कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब आप समझो, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि बताओ अगर मुझे 4 एड्रेसेस अगर बनाने हैं तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो कि अगर 4 एड्रेसेस अगर हैं मुझे बनाने हैं, कितने बिट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर मुझे 4 एड्रेस बनाने हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एड्रेस मुझे बनाने हैं, मतलब नंबर ऑफ बिट चाहिएगा 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ठीक है। मतलब 4 एड्रेस बनाने के लिए मुझे कितने बिट चाहिएंगे, 4 एड्रेस बनाने के लिए मुझे 2 बिट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो अगर मुझे 4 एड्रेस बनाने हैं, मतलब मुझे कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 2 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो अब बताओ मुझे अगर 8 एड्रेस बनाने हैं तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, बताओ अगर मुझे 8 एड्रेस अगर बनाने हैं तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 3 बिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे 0 से लेकर 7 तक का एड्रेस बनाना है,
जीरो से लेकर सेवन तक का एड्रेस बनाना है, मतलब जीरो 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 टू जीरो वन, ऐसे करते करते वन 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 तक आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक बात अगर आपको क्लियर है तो मुझे ये बताओ कि 64 अगर मुझे एड्रेस बनाने हैं, बताओ अगर मुझे 64 अगर एड्रेसेस बनाने हैं तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, मुझे ये बताओ कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, एन की वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा। अगर मुझे 64 एड्रेसेस अगर बनाने हैं तो कितने बिट की मुझे जरूरत पड़ेगी, बताओ जरा। सिक्स बिट, वेरी गुड। ठीक है ना, तो 2 raised to the power 6 इक्वल टू 64 बिट होता है, इसका मतलब मुझे 6 बिट की जरूरत पड़ेगी। और एक वर्ड को हम एक एड्रेस देते हैं, एक वर्ड को हम एक एड्रेस देते हैं, भले ही वो एक वर्ड 1 बाइट का हो चाहे वो 2 बाइट का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो वर्ड से ही काउंट करते हैं। एक वर्ड हो सकता है 1 बाइट का हो, एक वर्ड हो सकता है 2 बाइट का हो, एक वर्ड हो सकता है 4 बाइट का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वर्ड जो है वो एक एड्रेस देता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा ये जो रैम थी जिसके अंदर मेरे पास 16 ब्लॉक्स थे, एक ब्लॉक में मेरे पास 4 वर्ड थे, तो टोटल 64 वर्ड्स थे, तो इसका मतलब मैं 64 एड्रेसेस बना सकता हूं। तो अगर मेरे इस रैम में अगर 64 वर्ड्स आ सकते हैं, इसका मतलब मेरे रैम में 64 एड्रेसेस बनेंगे, और 64 एड्रेसेस बनाने के लिए मुझे 6 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर रैम के अंदर कोई भी एड्रेस को एक्सेस करना है तो जो मेरा फिजिकल एड्रेस होगा, जो मेरा फिजिकल एड्रेस होगा, याद करो मैं वही कहानी दोहरा रहा हूँ जो आपने पढ़ा था, तो आपका जो फिजिकल एड्रेस होगा उसके अंदर कितने बिट रहेंगे, उसके अंदर टोटल 6 बिट्स रहेंगे। ये बात आ गई आपको समझ में? तो अगर आपको अपनी पूरी रैम को अगर एक्सेस करना है तो पूरी रैम को एक्सेस करने के लिए आपको कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 6 बिट की जरूरत पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे की कहानी सुनो, बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट समझना, अगर आप लोग फॉलो कर पा रहे हो ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं सीखने के लिए, मतलब अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आप बोलोगे कि वाह यार क्या, मतलब क्या मैथ्स है, मतलब अगर गणित अगर देखना है, अगर मैथ्स का बाइनरी जो कन्वर्जन है अगर आपको समझना है तो आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल चमत्कार है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर जो आपके 6 बिट्स हैं, ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, अब देखो इस 6 बिट का कमाल देखो क्या होगा, ये 6 बिट का कमाल देखना। अब मान लो कि सीपीयू ने मान लो एक वर्ड को उसको एक्सेस करना है, सीपीयू को मान लो वर्ड एक्सेस करना है, लेट से मान लो वर्ड नंबर 8 को एक्सेस करना है, मुझे बताओ वर्ड नंबर 8 कहाँ रखा होगा, सोच के बताओ वर्ड नंबर 8 कहाँ रखा होगा। तो जैसे कि वर्ड नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वर्ड कहाँ पे रखा होगा, ब्लॉक नंबर 2 में रखा होगा, 8th वर्ड कहाँ रखा है, ब्लॉक नंबर 2 में। अच्छा अब मुझे बताओ कि क्योंकि 4 वर्ड रखने वाले हैं एक ब्लॉक में, तो अगर 4 वर्ड अगर मेरे पास है मतलब कितने एड्रेस बनेंगे, अगर मैं 4 वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 वर्ड के लिए मुझे कितने एड्रेस चाहिए, 4 एड्रेसेस चाहिए, और 4 एड्रेसेस के लिए मुझे कितने बिट्स चाहिए, 4 एड्रेस मतलब 2 की पावर 2, मतलब मुझे 2 बिट्स चाहिए हैं। ठीक है, तो 4 एड्रेसेस को, 4 एड्रेसेस को एक्सेस करने के लिए मुझे 2 बिट चाहिए है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये हो गया कि अगर ये मेरे पास 6 बिट हैं तो इसमें से एक काम करता हूँ कि 2 बिट अलग हटा देता हूँ, 2 बिट में अलग हटा देता हूँ, जो हम किसके लिए रख लेते हैं, वर्ड को एक्सेस करने के लिए रख लेते हैं, कि कौन सा वाला वर्ड मुझे एक्सेस करना है, पहला वाला, दूसरा वाला, मतलब 1 2 3 4, दूसरे वाले का 1 2 3 4, तीसरे वाले का 1 2 3 4, कौन सा वाला, मतलब हर एक ब्लॉक का जो है नंबरिंग में 1 2 3 4 ही रख रहा हूँ। और टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, टोटल 16 ब्लॉक्स हैं। अच्छा, तो 16 ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए मुझे कितने बिट चाहिएंगे, ये बताओ जरा। अगर मुझे 16 ब्लॉक को एक्सेस करना है और हर एक ब्लॉक को मैं एक एड्रेस एलोकेट कर दूं ब्लॉक वाइज, हो सकता है कि मैं ब्लॉक वाइज एलोकेट कर दूं एड्रेस, तो 16 ब्लॉक्स अगर मुझे एक्सेस करने हैं तो इसका मतलब मुझे 16 एड्रेसेस चाहिएंगे, हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि 2 की पावर 4 मतलब 4 बिट चाहिएंगे मुझे
ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो एक ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए कितने बिट चाहिएंगे, 4 बिट। तो ये मेरा हो गया 4 बिट, इसको एक्सेस करने के लिए, ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए। तो आपका ये जो 6 बिट था इसको आपने 4 और 2 बिट में डिवाइड कर दिया। तो पहले के चार बिट आपको बताएंगे कि कौन से वाले ब्लॉक पे जाना है, और आखिरी के 2 बिट बताएंगे कि उस ब्लॉक में कौन से नंबर का वर्ड एक्सेस करना है। तो पहला वाला होगा 00, दूसरा वाला होगा 01, तीसरा वाला होगा 10 और चौथा वाला होगा 11। आई बात समझ में? तो अब देखो कितना बढ़िया है, मतलब औसम है बिल्कुल ही। देखो जरा, अब यहाँ पर आपको मान लो वर्ड नंबर 8 को एक्सेस करना है, वर्ड नंबर 8 को एक्सेस करना है, और आपके पास कितने बिट हैं, 6 बिट हैं, क्योंकि आपका फिजिकल एड्रेस आपका क्या होगा, फिजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग तो वर्ड नंबर 8 है। भले ही आपने उसको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, लाइन में डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं फिजिकली बात करूं तो फिजिकली तो मेमोरी के लिए सब कुछ वर्ड है, उसके लिए तो पूरी रैम में सिर्फ वर्ड ही वर्ड रखा है, उसके अलावा वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो बोल लेगा मुझे तो भैया वर्ड नंबर 8 चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से ब्लॉक में रखा है, कौन सा ऑफसेट है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो चाहिए वर्ड नंबर 8, ठीक है। तो बोलेगा 8 को एक काम करो आप बाइनरी में मुझे बताओ, तो 8 का बाइनरी आप बोल दोगे 1000। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं मुझे तो 6 बिट में चाहिए, तो आप बोलोगे अच्छा 6 बिट में चाहिए, ये लो। तो आपका 6 बिट में आपका ये आ गया बाइनरी, ठीक है। अच्छा, तो 6 बिट का बाइनरी आ गया, तो इससे आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर आकर ये वाला वर्ड एक्सेस करना है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक नंबर 2 में 00 पोजीशन पर है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो इसको 4 में और 2 में ब्रेक कर दो, इसको 4 में और 2 में ब्रेक कर दो। तो ये वाले 4 बिट अलग कर दो, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये वाले 4 बिट अलग ले लो और ये वाले 2 बिट अलग ले लो। तो ये वाले 4 बिट आपको बताएंगे ब्लॉक नंबर, और ये वाले 2 बिट आपको बताएंगे वर्ड नंबर। वर्ड नंबर मतलब वर्ड हमेशा 0 से स्टार्ट होगा हर एक ब्लॉक का। तो ये वाला 0010 मतलब इसका डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 2, और 00 का डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0, मतलब कि ब्लॉक नंबर 2 में वर्ड नंबर 0। तो आप जाओगे ब्लॉक नंबर 2 में और वहां का वर्ड नंबर 0, वाओ 8th वर्ड मिल गया, कितना कमाल की बात है। मतलब अगर आप डायरेक्ट अगर देखते तब भी ये 8 पे जाता, और अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया 2 अलग अलग में तब भी आप वहीं पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फिजिकल एड्रेस था 6 बिट का, एड्रेस वही है, एड्रेस चेंज नहीं हो रहा, सीपीयू ने यही 6 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट किया है। लेकिन जब आपने इसको 4 बिट और 2 बिट में कन्वर्ट किया, 4 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपके 16 ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए 4 बिट चाहिए हैं। तो इसका मतलब आपने इसको 4 में ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर 2 बिट क्यों ब्रेक किया, क्योंकि एक ब्लॉक में 4 वर्ड हैं, तो एक ब्लॉक के 4 वर्ड हैं और हर एक 4 वर्ड को एक्सेस करने के लिए 2 बिट की जरूरत है, तो इसलिए आपने इसको 2 में ब्रेक कर दिया। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गए। तो ये शुरू के 4 बिट जो है वो आपको ब्लॉक नंबर बता देंगे, और आखिरी के 2 बिट जो है वो ब्लॉक बता देंगे। अगर विश्वास ना हो तो एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि क्या ये मैथ्स अभी भी वर्क कर रही है। एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, बोलो कौन सा वाला वर्ड चेक करना है, वर्ड नंबर 15 को चेक करते हैं। चलो तो 15 को हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15 आपको पता है 1111 4 बिट होता है, और शुरू में हमने 2 जीरो लगा दिए 6 बिट का बनाने के लिए, ठीक है। इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, और मैं इसको अब शुरू के 4 बिट अलग ले लेता हूँ और आखिरी के 2 बिट अलग ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये मुझे बताएगा क्या, ये मुझे बताएगा कि ब्लॉक नंबर कौन सा है। तो ये ब्लॉक नंबर कौन सा हो गया, ये ब्लॉक नंबर हो गया 3, क्योंकि 0011 क्या होता है, 3 होता है, और ये 11 भी क्या होता है, 3 होता है। इसका मतलब कि ब्लॉक नंबर 3 में वर्ड नंबर 3, ठीक है। चलो हम देखते हैं, पहले मैं बना के देखता हूँ कि मेरा वर्ड कहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा वर्ड नंबर 8, 9 आएगा यहाँ पर वर्ड नंबर 10 आएगा, यहाँ पर वर्ड नंबर 11 आएगा, फिर मेरा ब्लॉक नंबर 3 बनेगा, ब्लॉक नंबर 3 में यहाँ पर वर्ड नंबर 12 आएगा, यहाँ पर वर्ड नंबर 13 आएगा, यहाँ पर वर्ड नंबर 14 आएगा, और यहाँ पर मेरा वर्ड नंबर 15 आएगा। वाह क्या बात है, वर्ड ब्लॉक नंबर 3 बिल्कुल ब्लॉक नंबर 3 पे मिल गया, ये कह रहा था ब्लॉक नंबर 3 पे जाओ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 पे गया, और उसमें भी उसने बोला वर्ड नंबर 3। तो ये मेरा 0 वाला वर्ड है, ये मेरा 1 वाला वर्ड है, ये मेरा 2 वाला वर्ड है, और ये मेरा 3 वाला वर्ड है। तो मुझे वर्ड नंबर 15 मिल गया, इतनी बढ़िया बात है।
आ गई बात समझ में। तो ये हमारा रैम से तो सारा काम हो गया, अब हमें रैम में तो वर्ड हमें सर्च करने की कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात क्लियर है, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है। अब हम आते हैं कैश पे, ठीक है। अब यही काम हम कैश के लिए देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट मैपिंग क्या कहती है, डायरेक्ट मैपिंग ये कहती है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मैपिंग हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मैपिंग क्या करती है। डायरेक्ट मैपिंग के केस में क्या होता है कि कोई भी एक जो ब्लॉक होता है वो लोड होकर आता है किसी एक लाइन पर, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम ब्लॉक नंबर जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्लॉक नंबर जो जीरो है, ब्लॉक नंबर जो जीरो है वो कहाँ पर लोड होगा, वो मान लो लाइन नंबर जीरो पे लोड होगा। कैसे होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो लाइन नंबर जीरो पे ही लोड होगा हमेशा। डायरेक्ट मैपिंग ये कहता है कि आप इसको ब्रेक कर दो, किसमें डिवाइड कर दो। जैसे कि मान लो ये 16 ब्लॉक्स है ना, तो 16 ब्लॉक्स आपके हैं और आपके इसमें कैश में कितनी लाइनें हैं, चार लाइनें हैं। आप इसको डिवाइड कर दो चार से, तो आप 16 को डिवाइड कर दो फोर से, तो आपका आ गया फोर। मतलब कि आपके फोर के मॉड्यूलों में ही आपको सारा काम करना है। तो आपका जो भी नंबर होगा, जैसे कि मान लो कि मुझे ब्लॉक नंबर जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास चार लाइन है ना, चार लाइन आप डायरेक्ट निकाल लो, 16 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है फोर से। आप डायरेक्टली देख लो कि यहाँ पर कितनी लाइंस हैं, यहाँ पे आपकी चार लाइनें हैं। तो इसका मतलब जो भी आपका रिमाइंडर होना चाहिए वो जीरो से थ्री के बीच में ही होना चाहिए। तो जो भी आपका ब्लॉक नंबर है, जो भी आपका ब्लॉक नंबर है, आप उसको मॉड्यूलो कर दो। मॉड्यूलो करने से क्या होता है, रिमाइंडर मिलता है। आप उसको मॉड्यूलो कर दो नंबर ऑफ लाइन्स से, जितने भी आपके कैश में जितनी भी लाइन्स है उससे, ठीक है। तो आप इसको मॉड्यूलो कर दो नंबर ऑफ लाइन्स से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ब्लॉक है वो कौन से लाइन में मिल सकता है। तो मान लो कि अगर जैसे कि मान लो मैं 15 वर्ड आप मान लो कि मैं ब्लॉक नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर 2 को अगर हम मॉड्यूलो कर दें 4 से, तो कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है। इसका मतलब कि आपका जो ब्लॉक नंबर 2 है वो लाइन नंबर 2 पे जाएगा। अगर मान लो कि मैं बात करता हूँ ब्लॉक नंबर 9 की, तो मेरा ब्लॉक नंबर 9 है, इसको मैं मॉड्यूलो कर दूंगा 4 से, तो आएगा 1। मतलब मेरा जो ब्लॉक नंबर 9 है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा मेरा लाइन नंबर 1 पर। तो ये डायरेक्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। इसको डायरेक्ट मैपिंग क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें हमें कोई सर्चिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट हमें ये पता चल जाएगा कि अगर मेरा ये ब्लॉक अगर मिलेगा तो कौन से वाले लाइन में मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मिले, लेकिन अगर मिलेगा तो कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम रैम में से, क्योंकि मैंने कहा कि हमको क्या करना है, काम फास्ट करना है, तो काम फास्ट करना है इसका मतलब कि इस रैम में से कुछ एक ब्लॉक को हम लेकर आएंगे कहां पर, इस कैश में, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ब्लॉक नंबर जीरो को हम कहां लेकर आएंगे, लाइन नंबर जीरो पे लेकर आएंगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब हमें मान लो यही काम, अब मुझे वर्ड हमारे पास फिजिकल एड्रेस तो एक ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल एड्रेस अलग अलग मिलेगा। एक ही फिजिकल एड्रेस से रैम में भी डेटा मिलना चाहिए और कैश में भी मिलना चाहिए, ऐसा जादू होना चाहिए। अब वो जादू कैसे होगा वो देखो, अब वो जादू कैसे होगा। मुझे सर्च करना है वर्ड नंबर 15 को, ठीक है, वर्ड नंबर 15 को सर्च करना है। अब बात समझो, वर्ड नंबर 15 कहाँ है, वर्ड नंबर 15 है ब्लॉक नंबर 3 पे, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर हो गया 3, 3 को मैंने मॉड्यूलो कर दिया 4 से, तो मेरा आ गया क्या, लाइन नंबर आ गया 3। मतलब कि मेरा जो वर्ड, ये जो मेरा ब्लॉक 3 है वो कहाँ पे लोड होगा, वो लोड होगा वो लोड होगा लाइन नंबर 3 पर। तो इसका मतलब कि 12 वाला वर्ड, 13 वाला वर्ड, 14 वाला वर्ड और 15 वाला वर्ड जो है वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा मेरा लाइन नंबर 3 में आएगा कैश। अब ये वर्ड कैश में कैसे ढूंढेंगे, अभी जो हमने देखा वो क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि हमारा जो एड्रेस है उससे रैम में कैसे मिलेगा। अब हम ये देखते हैं कि उसको कैश में कैसे मिलेगा उसी एड्रेस से, क्योंकि एड्रेस एक ही है, एड्रेस एक ही है और उसी एड्रेस से हमें रैम में भी मिलना चाहिए और कैश में भी मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा थोड़ना है कि हम पहले कैश में सर्च करेंगे, अगर कैश में नहीं मिलेगा तो हम दूसरा एड्रेस लेकर आएंगे और फिर रैम में सर्च करने ले जाएंगे, नहीं, एड्रेस वही रहेगा, एड्रेस वही रहेगा, उसी एड्रेस को लेकर हम आएंगे कैश में और वहां पर सर्च करेंगे। अगर वहां पर नहीं मिलेगा तो उसी एड्रेस को लेकर हम जाएंगे रैम में। तो एड्रेस हमारा वही रहना चाहिए, 6 बिट का सेम पैटर्न होना चाहिए और उसी जगह पर मिलना चाहिए। अब उसको कैसे करने वाले हैं देखो, डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, डायरेक्ट मैपिंग में यहाँ पर एक टैग बिट जुड़ जाती है, हर एक लाइन की एक टैग नंबर होता है।
हर एक लाइन का क्या होगा, हर एक लाइन का एक टैग नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कैश है, ये जो कैश है यहाँ पर तीन चीजें होंगी, एक तो होगा आपका टैग नंबर, एक क्या होगा, एक होगा आपका टैग नंबर, फिर ये आपका जो रहेगा लाइन नंबर रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे लाइन नंबर, और उसके बाद फिर आपका वर्ड नंबर रहेगा जिसको कि हम वर्ड ऑफसेट बोलते हैं। वर्ड ऑफसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एग्जैक्टली वो वर्ड नंबर नहीं है, वो उसका ऑफसेट है। ऑफसेट मतलब क्या होता है, ऑफसेट मतलब होता है कि दूरी कितनी है, मतलब ये जीरो इसका ऑफसेट हो गया, इसका ऑफसेट हो गया वन, इसका ऑफसेट हो गया टू, इसका ऑफसेट हो गया थ्री, मतलब एक्चुअल में वर्ड नंबर थ्री है, ये एक्चुअल में वर्ड नंबर 12 है, लेकिन हम काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जीरो वन टू थ्री, तो हम बोलेंगे कि इस जो वर्ड का ऑफसेट है वो जीरो है, इस वर्ड का ऑफसेट वन है, इस वर्ड का ऑफसेट टू है, इस वर्ड का ऑफसेट थ्री है, ठीक है ना। अगर एट नाइन टेन इलेवन होगा तो उसका भी ऑफसेट, एट का ऑफसेट जीरो होगा, एट का नाइन का ऑफसेट वन होगा, तो ऑफसेट कई सारे वर्ड के एक ही हो सकते हैं, ठीक है ना, कई सारे वर्ड के ऑफसेट सेम होगा लेकिन फिर भी वो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे क्योंकि वो अलग अलग लाइनों में रखे हुए हैं, ठीक है। अब बात समझते हैं कि यही 6 बिट, यही 6 बिट अब रैम के लिए कैश के लिए कैसे काम करेगी, ठीक है। तो अब आप समझो जरा, सेम वही मैं 6 बिट का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर से वही हमारे पास 6 बिट है। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे वर्ड का ऑफसेट बनाना है, ठीक है। तो वर्ड का ऑफसेट कैसे बनेगा, वर्ड का ऑफसेट होता है कि मेरे पास कितने वर्ड हैं, तो चाहे मैं ब्लॉक यहाँ पे रखूँ चाहे मैं लाइन यहाँ पे रखूँ, नंबर ऑफ वर्ड्स तो दोनों में ही बराबर है क्योंकि मैंने बताया कि ब्लॉक का साइज और लाइन का साइज बराबर होता है, चाहे मैं उसको ब्लॉक को रैम में रखूं चाहे मैं उसको लाइन को कैश में रखूं, दोनों में जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो सेम है। तो इसका मतलब कि अगर मेरा वर्ड का ऑफसेट होगा तो वो यहाँ पर भी दो ही बाइट का होगा, दो ही बिट का होगा, तो यहाँ पर जो मेरा वर्ड का ऑफसेट था वो भी 2 बिट का था, यहाँ पे भी जो मेरा वर्ड का ऑफसेट होगा वो 2 ही बिट का होगा क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे पास 4 है। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स अगर मेरे पास 2 होते तो 1 बिट का ऑफसेट होता, अगर मेरे पास नंबर ऑफ वर्ड्स अगर 8 होते तो मेरा ऑफसेट जो होता वो 3 बिट का होता, ठीक है। तो जितने वर्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑफसेट डिसाइड होगा, तो क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स 4 है इसका मतलब मेरा ऑफसेट 2 होगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए लाइन नंबर, लाइन नंबर के लिए कितने, लाइन नंबर कितने, लाइन भी 4 है, ऑब्वियसली 4 लाइन के लिए मुझे कितने बिट चाहिएंगे, 4 लाइन के लिए मुझे 2 बिट चाहिएंगे, तो यहाँ पर मैं 2 बिट ले लेता हूँ, तो 2 बिट का मेरे पास लाइन नंबर हो गया, और बचा हुआ कितना मेरे पास बचा मेरे पास 2 बिट, तो यहाँ पर 2 बिट का मैं टैग ले लूंगा, 2 बिट का मैं टैग ले लूंगा। अब देखो ये कैसे काम करेगा, टैग मतलब 2 बिट का हो गया, तो यहाँ पर टैग जो होता है वो 00 हो सकता है, इसका भी हो सकता है टैग नंबर 00, ऐसा नहीं है कि इसका 00011011, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि सबका टैग 00 हो सकता है किसी का टैग 00 हो, किसी का टैग 11 हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी का टैग हो सकता है 01 हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका वहां पर वो ब्लॉक लोडेड है कि नहीं, क्योंकि एक आपका ब्लॉक नंबर 3 जो है वो भी लाइन नंबर 3 पर आ सकता है, और दूसरा कोई ब्लॉक जो है वो भी लाइन नंबर 3 पर आ सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे नंबर होंगे जिसका मॉड्यूलो करने पर 3 मिले, और मैंने कहा था कि रैम का साइज बड़ा है और कैश का साइज छोटा है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ब्लॉक उसके अंदर आ जाए, हर बार आपको वो ब्लॉक मिल जाए, हर बार आपको वो वर्ड कैश में मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि मिल सकता है, तो अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा वो बात है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर 7 मॉड्यूलो 4 करोगे, तो 7 मॉड्यूलो 4 करने पर भी 3 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ब्लॉक नंबर 7 जो है वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो अब आपका कौन सा वाला ब्लॉक है वो किससे डिसाइड होगा, वो टैग से डिसाइड होगा, कैसे वो अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे वर्ड नंबर 15 को सर्च करना है, ठीक है। अब वर्ड नंबर 15 अगर है तो इसको मैं 6 बिट में लिख लेता हूँ, 11110, ठीक है, ये मेरा 001111 मेरा हो गया, इसको मैं टैग नंबर लाइन नंबर और ऑफसेट नंबर में अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। अब किस तरह से काम होगा, एड्रेस तो यही रहेगा फिजिकल एड्रेस, अब इसको कैश में कैसे सर्च करेंगे, तो सबसे पहले वो जाएगा लाइन नंबर लेगा, लाइन नंबर क्या मिला उसको, लाइन नंबर मिला 3, तो वो थर्ड वाले लाइन नंबर पर जाएगा, ठीक है, वो थर्ड वाले लाइन नंबर पर आ गया, और फिर वो टैग कंपेयर करेगा कि क्या ये वाला टैग और ये वाला टैग बराबर है। अब अगर क्योंकि हम B3 वाले को अगर मैंने लोड किया है तो यहाँ पर टैग नंबर 00 ही होगा, पक्की बात है, ठीक है ना,
तो अगर मैंने यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 को लोड किया है तो उसका टैग नंबर 00 ही होगा, ठीक है। तो क्यों होगा 3? क्योंकि अगर आप इस पर 12 का, 13 का, 14 का, 15 का जब आप बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो पहली दो बिट जो है वो 00 ही मिलेगी, आप देख लेना। तो टैग कैसे डिसाइड होता है, आप 12, 13, 14, 15 का बाइनरी कन्वर्जन कर लेना तो स्टार्टिंग के जो दो बिट हैं वो सब में 00 मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर टैग जो है वो 00 होगा। इससे ये समझ में आएगा कि 12, 13, 14, 15 जो है वो 00 पर ही टैग होगा। तो यहाँ पर लाइन नंबर भी मिल गया, टैग भी मिल गया, इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि यहीं पर ही हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 3 यहीं है। अगर ब्लॉक नंबर 7 होता तो इसका मतलब ये है कि उसका टैग जो है वो कुछ और होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा टैग भी मैच कर गया, हमारा टैग को अगर हम मैच करेंगे, अगर ये मैच हो गया इसका मतलब हमारा टीएलबी हिट हो गया, टीएलबी हिट हो गया कि हमारा जो वर्ड है वो यही मिलने वाला है। उसका अब ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट ले लेंगे 1 1, तो इसका मतलब ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, क्योंकि 1 1 होता है 3, मतलब मेरा वर्ड 15 जो है वो यहाँ मिल गया। तो अगर इसी एड्रेस को मैं लेकर जाऊंगा, इसी एड्रेस को लेकर जाऊंगा, पहले मैं कैश में सर्च करूंगा, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं रैम में चले जाऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सेम एड्रेस जो है वो रैम के लिए कैसे काम करेगा और कैश के लिए कैसे काम करेगा। जब रैम के लिए काम करेगा तो वो उसका दो पार्ट करेगा, एक पार्ट करेगा ब्लॉक का, एक पार्ट करेगा वर्ड का। लेकिन अगर उसको कैश में सर्च करेगा तो उसी एड्रेस के वो 3 पार्ट कर देगा, टैग, लाइन नंबर और ऑफसेट। आई बात समझ में? कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आई थिंक आपको ये एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा जहां तक मैं जानता हूं। अगर मिलेगा भी तो आपको टुकड़ों में मिलेगा, अलग अलग जगह पर, मैंने आपको एक ही जगह पर सारा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम होता है। अब आपको मैं शॉर्ट में सारे डायग्राम्स के फॉर्म में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखो, अब आपको सारी बातें अब समझ में आ जाएगी। तो ये आपकी रैम थी, ठीक है ना, ये आपकी रैम थी जिसको कि आपने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ऐसे कई सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। और हर एक ब्लॉक में हम मान के चल रहे हैं कि 4 वर्ड्स हैं। तो क्योंकि आपके हर एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं तो आप इसको मॉड्यूलो करोगे 4 से। तो आप ब्लॉक नंबर 0 को मॉड करोगे 4 से, तो 0 मॉड 4 आता है 0। मतलब कि अगर ये ब्लॉक नंबर 0 जाएगा तो ये आपके लाइन नंबर 0 में जाएगा, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। अगर आप 1 का मॉड करोगे 0 से, 4 से, तो ये आएगा 1, तो आपका ब्लॉक नंबर 1 जो है वो 1 पे जाएगा। उसी तरह से मान लो कि आपका ब्लॉक नंबर 5 है, अगर 5 को यहाँ पर 5 होना चाहिए वैसे, तो बाकी 1 भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ब्लॉक नंबर 5 जो है, अगर आप 5 को मॉड करोगे 4 से तो वो आएगा 1, तो ये आपका जाएगा लाइन नंबर यहाँ पर, लाइन नंबर 1 पे जाएगा, ये थोड़ा ये था, लाइन नंबर 1 पर जाएगा, ठीक है। अब आपका अगर मेन मेमोरी है, अगर मेन मेमोरी है तो आपका जो भी एड्रेस होगा, जो भी आपका फिजिकल एड्रेस होगा, उसके दो पार्ट होंगे। पहले को आप बोलोगे टैग, टैग बल्कि ना बोल के आप इसको ब्लॉक नंबर बोल दो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, और दूसरा होगा वर्ड का ऑफसेट। लेकिन अगर उसी एड्रेस को अगर आप कैश मेमोरी में अगर सर्च करोगे तो आप वर्ड तो आपका वही रहेगा, वर्ड में कोई डिवीजन नहीं होगा, लेकिन ये जो टैग है, जो ब्लॉक नंबर है, इसके दो डिवीजन हो जाएंगे, टैग और लाइन नंबर, ये 3 डिवीजन हो जाएंगे एड्रेस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका एड्रेस होगा उसको सबसे पहले हम कैश में सर्च करेंगे। तो कैश में कैसे सर्च करेंगे कि आपका एक बिट, मान लो कि हमारा जो वर्ड है वो 6 बिट का है, मान लिया कि हमने जो हमारा जो फिजिकल एड्रेस है वो 6 बिट का है, जिसमें से 1 बिट हमने मान ली टैग की है, 2 बिट हमने मान ली ऑफसेट की है, और 2 बिट हमने मान ली वर्ड की है। 2 बिट जो है वो लाइन की है और 2 बिट जो है वो वर्ड की है। कैसे डिसाइड होगा, ये सारा डिसीजन होगा कि आपके कैश का साइज कितना है, उसके अंदर कितनी लाइंस हैं, आपके ब्लॉक में कितने वर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा डिसीजन होगा। और वो कैसे डिसीजन होगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि अगर आपके ब्लॉक नंबर है 0 से लेकर 15, मतलब आपको ब्लॉक के लिए चाहिएंगे 4 बिट। अगर आपके कैश में 4 लाइन है, अगर आपके कैश में 4 लाइन है मतलब आपको 2 बिट चाहिएंगे। अगर आपके 4 वर्ड हैं तो आपको 2 बिट चाहिएंगे।
कितने आपको बिट चाहिए, कितने आपको वर्ड चाहिए, वो आपको उससे डिसाइड हो जाएगा। तो हमारे आर्किटेक्चर से हमने डिसाइड किया कि हमें एक बिट टैग का चाहिए, दो बिट हमें चाहिए किसके लिए, लाइन के लिए, और दो बिट हमें चाहिए वर्ड के लिए, ठीक है। और हमारे पास जो ब्लॉक है वो 0 से लेकर 8 है। अब देख लो, 0 से लेकर अगर मेरे पास 8 है तो इसका मतलब, 0 से लेकर 7 है इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक हैं, ठीक है। सॉरी, में ये 5 बिट का है ना, ये 5 बिट का है, 4 6 बिट का नहीं है, 5 बिट का है, ठीक है। 1 बिट, 2 बिट, 2 बिट, तो टोटल 5 बिट हो गए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास मान लो कि 8 ब्लॉक हैं, और हर एक ब्लॉक में अगर 4 वर्ड है तो टोटल कितने हो गए, 32। 32 हो गया मतलब कि 2 की पावर 5, मतलब मुझे 5 बिट का एड्रेस चाहिएगा। तो देखो हमने 5 बिट का एड्रेस लिया है, ठीक है। वर्ड कितने हैं, 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड को बनाने के लिए मुझे 2 बिट चाहिए, तो यहाँ पर 2 बिट का हमने ऑफसेट ले लिया। और कितने लाइन है, लाइन भी जो है वो हमारी 4 है, तो 4 लाइन है, इसका मतलब 2 बिट का हमें वर्ड चाहिएगा। तो 2 और 2 ये हो गए 4, तो अब मुझे सिर्फ 1 बिट एक्स्ट्रा मेरे पास बच रही है, जिसको कि हम टैग के लिए रख लेंगे। अब मान लो कि मुझे सर्च करना है वर्ड नंबर 9, मान लो मुझे सर्च करना है वर्ड नंबर 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 01101001, ठीक है। तो इसका मतलब टैग की वैल्यू आपकी हो गई 0, वर्ड की लाइन की वैल्यू हो गई 10, और वर्ड की ऑफसेट की वैल्यू हो गई 01। अब आप सोचो कि मेरा वर्ड नंबर 9 कहाँ रखा होगा, तो यहाँ पर वर्ड मेरे रखा हुआ है 0123, यहाँ पर मेरा रखा हुआ है 4567, यहाँ पर मेरा रखा हुआ है 8 और 9, मतलब कि मेरा 9th वर्ड कहाँ पे रखा हुआ है, मेरा 9th वर्ड यहाँ रखा हुआ है ब्लॉक नंबर 2 में। अब ये ब्लॉक नंबर 2, तो 2 मॉड्यूलो 4 करेंगे, 2 मॉड्यूलो 4 करेंगे तो आएगा 2, तो इसका मतलब मैं जाऊँगा कहाँ, मैं जाऊँगा लाइन नंबर 2 पे। और देखो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल रहा था, 10 10, मतलब क्या होता है, 10 मतलब होता है 2, तो मेरा एड्रेस भी मुझे कहाँ भेज रहा है, लाइन नंबर 2 पे ही भेज रहा है, आई बात समझ में। उसके बाद मेरा ऑफसेट क्या बता रहा है, मेरा ऑफसेट बता रहा है 2, और मेरा जो वर्ड है वो भी कहाँ पर है, 8 9 10 11 यहाँ पर आने वाला है। तो 8 जो है वो 0 इंडेक्स पे होगा, 9 जो है वो 1 इंडेक्स पे होगा। तो देखो 0 1 मतलब 1, तो यहाँ पर मुझे 9 जो है वो मुझे 1 नंबर के इंडेक्स पे मिलेगा, और इसका टैग जो है वो 0 है। तो टैग को हम कंपेयर करेंगे, तो पहले हम लाइन नंबर पे आएंगे, उस लाइन नंबर पर आने के बाद हम टैग को कंपेयर करेंगे। अगर टैग हमारा मैच हो जाता है मतलब टीएलबी हिट हो गया, और अगर लाइन टैग नंबर मैच नहीं करता तो टीएलबी मिस होगा। अगर टीएलबी मिस होगा तो हम इसी एड्रेस को लेकर रैम के पास चले जाएंगे और वहां से वर्ड पिक कर लेंगे, और अगर टैग हमारा मैच कर जाता है तो टीएलबी हिट हो गया तो हम यहीं से ही हमारा वर्ड उठा लेंगे, ठीक है ना। तो अगर टैग मैच किया तो टीएलबी हिट है तो हम यहाँ से वर्ड उठाएंगे, अगर हमारा टैग मैच नहीं किया तो इसका मतलब टीएलबी मिस हो गया, तो फिर हम रैम से हमारा वर्ड उठा लेंगे, क्योंकि एड्रेस हमारा वही काम करने। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। वीडियो लॉन्ग है लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको समझो कि ये आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क, ये पूरा कैसे होगा, मल्टीप्लेक्सर का यहाँ पर कैसे काम होगा, किस तरह से लाइंस कनेक्टेड होंगी, ये पूरा समझो आप। अब देखो, जो आपका एड्रेस है, जो आपका एड्रेस है जिसमें कि टैग नंबर भी है, लाइन नंबर भी है, और आपका वर्ड का ऑफसेट है ना, ये ब्लॉक ना लिख के आप इसको वर्ड लिखो, वर्ड का ऑफसेट है, ठीक है, वर्ड का ऑफसेट है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लाइन नंबर। लाइन नंबर आपका हो सकता है 1 बिट का हो, 2 बिट का हो, डिपेंड करेगा। तो जितने बिट का आपका लाइन नंबर होगा, सॉरी जितने बिट के आपका टैग होगा, उतने आपको मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर चाहिएंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो टैग है वो 1 बिट का है, लाइन जो है वो 2 बिट का है, और वर्ड जो है वो भी 2 बिट का है, उसका हमारा ये डायग्राम बना हुआ। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर लाइन नंबर होगा, लाइन नंबर होगा 2 बिट का, इसका मतलब यहाँ पर हमारी 2 सिलेक्ट लाइन होगी, 0001 1011, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, उस टाइम टैग 0 कैसे था, उस टाइम पे टैग 0 ऐसे था क्योंकि आपका जो 9 था, 9 को आपने 5 बिट पे लिखोगे, 9 को आप 5 बिट पे लिखोगे तो 01001 आएगा। तो जैसे ही आपका ये जो 9 वाला पेज जो है, जब रैम में, जब रैम से कैश में जाएगा तो अपने आप उसका टैग बिट 0 कर देगा, क्योंकि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है। तो ये काम जब रैम से, जब लोड होगी कोई डेटा, जब रैम से कोई डेटा लोड होगा कैश में, तो वो देख लेगा कि इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है। तो आपका 8 9 10 11 आप जो भी देखोगे, उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको 0 मिलने वाला है, इसलिए वहां पे टैग जो है वो आपको 0 पहले से मिल जाएगा, ठीक है ना, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं मेरी बात पर, जो मैं कहना चाह रहा हूँ,
इस डायग्राम को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये कैसे वर्क करता है। आपका जो दो लाइन है, आप इसमें बनाओगे 4x1 का मल्टीप्लेक्सर, इसमें आप 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाओगे, ठीक है। 4x1 का मल्टीप्लेक्सर मतलब कि यहाँ पर आपके यहाँ पर आपका चार इनपुट लाइन होगा और एक आउटपुट लाइन होगी, ठीक है। अच्छा, 4x1 के लिए मुझे कितनी सिलेक्ट लाइन चाहिए होती है? मुझे दो सिलेक्ट लाइन चाहिए होती है। तो आपका यहाँ से दो जो सिलेक्ट लाइन है, ये सिलेक्ट लाइन 1 हो गई, ये सिलेक्ट लाइन 2 हो गई, तो यहाँ से आपका लाइन नंबर डिसाइड होगा। तो लाइन नंबर अगर 00 होगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, लाइन नंबर 1 सिलेक्ट हो जाएगा आपका कैश मेमोरी का। अगर लाइन 01 होगा तो लाइन नंबर 0 सिलेक्ट हो जाएगा, 01 पे लाइन नंबर 1, 10 पे लाइन नंबर 2 और 11 पर लाइन नंबर 3 सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी सिलेक्ट लाइन होगी उससे मल्टीप्लेक्सर जो है वो उस वाली सिलेक्ट लाइन को चला जाएगा, तो उस वाली लाइन पर चला जाएगा, लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। तो मान लो कि आपने यहाँ पर सप्लाई किया 10, लाइन नंबर आपका है 10, तो इसका मतलब आपका लाइन नंबर 2 सिलेक्ट हो जाएगा, लाइन नंबर 2 सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से वो टैग फील्ड को लेगा, यहाँ से वो टैग फील्ड को लेगा क्योंकि 4x1 है, तो यहाँ से आपका 4 से आपका ये सिलेक्ट हो गया। अब आपका 1 आउटपुट जाएगा, 1 आउटपुट में क्या जाएगा, यहाँ से टैग बिट जाएगी, है ना। यहाँ से जो टैग बिट है वो यहाँ से आउटपुट में जाएगी कंपैरेटर के पास। तो यहाँ से 4, आपको डायग्राम थोड़ा सा देखने में अजीब सा लगेगा लेकिन यहाँ पर आपका लाइन सिलेक्ट हो जाएगी और जो टैग के अंदर की वैल्यू है वो आपकी आउटपुट में जाएगी क्योंकि 4 इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो आपका जो 4 इनपुट आपने जो सिलेक्ट लाइन से आपने जो सिलेक्ट किया है उससे लाइन नंबर सिलेक्ट हो जाएगी और टैग बिट क्योंकि 1 बिट है, क्योंकि 1 बिट है ना, तो एक टैग बिट यहाँ से आपकी आ जाएगी और आपका यहाँ पे कंपैरेटर लगा होगा जो कि आपके इस वाले टैग से कंपेयर करेगा। अगर आपका ये रिजल्ट मैच हो गया मतलब कि आपका कैश हिट हो जाएगा, नहीं मैच किया वो टैग तो टैग मिस हो जाएगा। और एक टैग जो है वो एक मल्टीप्लेक्सर से निकलने वाला है, एक टैग बिट एक मल्टीप्लेक्सर से निकलेगी, मतलब कि अगर आपकी टैग बिट अगर आपके टैग में अगर 2 बिट होगा तो इसका मतलब आपको 2 मल्टीप्लेक्सर चाहिएंगे, एक मल्टीप्लेक्सर से एक बिट सिलेक्ट होगा, दूसरे मल्टीप्लेक्सर से दूसरा बिट सिलेक्ट। आई बात समझ में? तो 4x1 का ही मल्टीप्लेक्सर लगेंगे अगर आपका जो लाइन है, जो लाइन नंबर है वो 2 है। अगर मान लो लाइन नंबर 3, अगर आपका जो लाइन नंबर है वो 3 बिट का होता तो 8x1 का मल्टीप्लेक्सर लगता क्योंकि उतने सिलेक्ट लाइन वहां पे चाहिए होते। आ गई बात समझ में? आई होप आप लोगों को मैं समझाने की मैंने कोशिश करी है, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बट यहाँ पे वर्ड को सर्च नहीं किया, वर्ड को सर्च किया ना ऑब्वियसली हमने वर्ड को सर्च किया। हमारा यहाँ पर जो बाइनरी पैटर्न होगा उस जगह पर हम जाएंगे और वहां पर हमें वर्ड मिल जाएगा। अगर हमारा कैश हिट होगा तो हम वहां से वर्ड को उठा लेंगे, बिल्कुल वही हुआ है ना। हमारे लाइन में कई सारे वर्ड्स हैं, अब हमारा अगर कैश हिट होगा तो हम वो वाला वर्ड उठाएंगे, नहीं तो वर्ड नहीं उठाएंगे। वर्ड को अभी हमने यूज ही नहीं किया, उसके बाद हम उस वर्ड पे जाएंगे और उसको उठा लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, मान लो कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अगर टैग अगर है 2 बिट का, तो मल्टीप्लेक्सर कितने लगेंगे? 2 मल्टीप्लेक्सर। अगर मान लो मैं बोलता हूँ टैग अगर 3 बिट का है तो कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे? 3 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। कंपैरेटर कितना लगेगा? कंपैरेटर यहाँ पर एक ही लगेगा, कंपैरेटर यहाँ पर एक ही लगने वाला है, ठीक है। तो अब कुछ बातें हैं पॉइंट्स नोट करने वाले, वो जल्दी से यहाँ पर आप नोट कर लेना, तो क्लास को मैं जल्दी से इसमें कंप्लीट करता हूँ। मल्टीप्लेक्सर कैन ओनली आउटपुट अ सिंगल बिट, है ना, मल्टीप्लेक्सर से हमेशा एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है ना। चाहे आप 8x1 का ले लो, चाहे आप 4x1 का ले लो, एक ही आउटपुट वहां पर आपका आने वाला है, मतलब कि एक ही बिट यहां से जो एक आउटपुट आ रहा है, मतलब एक ही टैग बिट आपकी आने वाली है आउटपुट में। इसीलिए हमें कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे? जितने हमारे पास टैग बिट होंगे उतने हमारे पास मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड कितने होंगे? जितने हमारे नंबर ऑफ टैग बिट्स होंगे। ईच मल्टीप्लेक्सर इज कॉन्फिगर्ड टू रीड अ टैग बिट फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन, हर एक टैग बिट से एक स्पेसिफिक लोकेशन आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। कंपैरेटर क्या करने वाला है? कंपैरेटर जो भी आपका टैग से जनरेट होगा वैल्यू उसको आपका एड्रेस से कंपेयर करेगा। साइज ऑफ कंपैरेटर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ बिट्स इन द टैग, क्योंकि आपको पता है कि कंपैरेटर क्या करने वाला है, कंपेयर करने वाला है। किसको कंपेयर करने वाला है? टैग को कंपेयर करने वाला है। तो आपके कंपैरेटर का साइज किस पे डिपेंड करेगा? कि आपके टैग में कितने बिट है।
अगर आपका टैग जो है वो 2 बिट का होगा तो आपका कंपैरेटर में भी 2 बिट की कैपेसिटी होनी चाहिए कंपेयर करने की। अगर आपके टैग में अगर 3 बिट है तो आपके कंपैरेटर में कैपेसिटी होनी चाहिए 3 बिट को कंपेयर करने की, ठीक है। इफ़ द टू टैग्स मैच देन कैश हिट होगा, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा। अगर आपका दोनों टैग अगर मैच कर जाते हैं तो कैश हिट होगा, नहीं तो कैश मिस हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए तो जल्दी से इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर एक हिट लेटेंसी का भी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हिट लेटेंसी क्या होता है कि आपको कितनी देर में आपको सर्च कर कर कोई डेटा मिला। तो आपने पहले मल्टीप्लेक्सर को सर्च किया, तो मल्टीप्लेक्सर पे आप गए तो आपका हो गया मल्टीप्लेक्सर की लेटेंसी, और उसके बाद आप कंपेरेटर पर गए। तो लेटेंसी क्या होता है, हिट लेटेंसी? हिट लेटेंसी ये होता है कि आपको कितना टाइम लगा कोई डेटा को कैश में सर्च करने में, ठीक है ना। तो आप पहले मल्टीप्लेक्सर पे जाओगे तो मल्टीप्लेक्सर का टाइम काउंट होगा, फिर आप कंपेरेटर पे जाओगे तो मल्टीप्लेक्सर और कंपेरेटर का दोनों का टाइम अब ऐड कर लोगे तो आपको हिट लेटेंसी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा और छोटा सा एग्जांपल है। कंसिडर अ मशीन विद अ बाइट एड्रेसेबल। आप एक मशीन को कंसिडर कर रहे हो जो कि बाइट एड्रेसेबल है, जिसमें कि मेमोरी का साइज कितना है, 2 की पावर 32 है ना। ये 232 नहीं है, ये आप इसको करेक्ट कर लेना, ये 2 की पावर 32 है, ठीक है। तो 2 की पावर 32 बाइट है, डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स ऑफ साइज 32 बाइट, और आपके ब्लॉक का साइज कितना है, 32 बाइट का है। अज्यूम डायरेक्ट मैप कैश 512 कैश लाइन है, 512 कैश लाइन है, द साइज ऑफ द टैग फील्ड। तो आपको टैग फील्ड का साइज बताना है। अब आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक एक करके आप समझो। देखो आपको क्या बोला गया है, आपकी रैम का साइज, आपकी रैम का साइज आपको बोला है कितना है, 2 की पावर 32 बाइट है, ठीक है। 2 की पावर 32 बाइट है, मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आपको कुछ ना दिया हो, अगर आपको कुछ ना दिया हो तो आप ये मान के चलोगे कि एक वर्ड जो है वो किसके बराबर है, 1 बाइट के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर कितने वर्ड हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 32 वर्ड्स हैं। अब अगर मुझे बताओ अगर 2 की पावर 32 वर्ड्स हैं तो एड्रेस भी 2 की पावर 32 होंगे, और अगर एड्रेस 2 की पावर 32 है तो एड्रेस को एक्सेस करने के लिए मुझे कितने बिट का एड्रेस, कितने बिट का मुझे फिजिकल एड्रेस चाहिएगा, 32 बिट का मुझे फिजिकल एड्रेस चाहिएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अगर मेरी रैम का साइज अगर 2 की पावर 32 बाइट है, मतलब कि मुझे कितने बिट चाहिएंगे, 32 बिट, 32 बिट से मैं पूरे रैम को एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। और आपकी कैश में कितनी लाइन है, आपकी कैश में 512 लाइन है। 512 मतलब क्या होता है, 512 होता है 2 की पावर 9, मतलब 9 बिट आपको चाहिएंगे किसके लिए, लाइन के लिए, ठीक है। तो अब आपको आपको फिजिक आपको याद रहना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका जो भी होगा ये टैग फील्ड होगी, ये आपका होगा ब्लॉक नंबर, ठीक है ना, ये आपका होगा ब्लॉक नंबर, लाइन नंबर बोलो इसको, लाइन नंबर बोलो, ये आपका होगा लाइन नंबर, और ये आपका होगा ब्लॉक ऑफसेट, वर्ड ऑफसेट, है ना, ये आपका होगा वर्ड ऑफसेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल 9 लाइन चाहिएगी, 9 बिट चाहिएगी किसके लिए, लाइन को एक्सेस करने के लिए। टोटल कितना है ये, टोटल ये है 32 बिट का, टोटल है ये 32 बिट का। अब मुझे देखना पड़ेगा कि एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स आ पाएंगे, एक ब्लॉक में कितने वर्ड आ पाएंगे। तो देखो यहाँ पर बोला है 32 बाइट का ब्लॉक साइज है, 32 बाइट का है, है ना। तो 32 बाइट का अगर ब्लॉक साइज है, और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 बाइट का 1 वर्ड है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 बाइट का 1 वर्ड है और टोटल 32 बाइट का 1 ब्लॉक है, तो इसका मतलब कि मेरे कितने वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास 32 वर्ड्स आ रहे हैं, और 32 वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए मुझे 2 की पावर 5 मतलब 5 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब मेरा वर्ड का ऑफसेट कितना हो जाएगा, 5 बाइट। क्लियर है? ऑब्वियसली 32 बाइट का मेरे पास ब्लॉक का साइज है, और मैंने माना है बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना दिया हो तो हम मानेंगे एक 1 वर्ड इक्वल टू 1 बाइट। इसका मतलब 32 वर्ड है, और 32 वर्ड को एड्रेस करने के लिए मुझे 2 की पावर 5 मतलब 5 बिट चाहिए, तो इसका मतलब 5 बिट का ऑफसेट चाहिए। तो टोटल 32 था, जिसमें से 9 बिट हमारा लाइन के लिए एक्सेस हो गया, 5 बिट हमारा वर्ड के लिए एक्सेस हो गया, तो 9 और 5 14 हो गए। तो 32 में से 14 को माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 18, मतलब 18 बिट का हमारा टैग होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।
क्लियर है। चलिए तो आई होप आपको मैंने एक ही वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी है, इतना सारा डिटेल में आपको, वीडियो लॉन्ग हो गया है लेकिन मैंने कोई भी पार्ट इसमें छोड़ा नहीं है। इस वीडियो को आपको पढ़ने के बाद आपको नो डाउट कहीं और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर कवर कर दी है। बस अब आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कितना करते हो। ठीक है, चलिए तो क्लास बहुत लंबी हो गई, इसको हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कॉमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।